टिकटॉक जब से बैन हुआ है तब से आप लोगों ने देखा होगा कि आपको कोई ना कोई एक ऐप की ज़रूरत पड़ रही है एंटरटेनमेंट करने के लिए। दरअसल हमारी ऐसी आदतें हो चुकी हैं कि हम थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट करना चाहते हैं, और हर किसी की भी इच्छा रहती है। मोबाइल में आप लोग आते हैं तो आपको ज़्यादातर एंटरटेनमेंट यानी कि नॉलेजेबल चीज़ें चाहिए होती हैं या फिर ऐसा कंटेंट चाहिए होता है जो आपको एंटरटेन करे। लेकिन टिकटॉक एक अच्छा जरिया था, लेकिन टिकटॉक की हरकतें जो थी अच्छी नहीं थी। आपका डाटा चुरा रहा था और चाइनीज ऐप था। इसके बाद टिकटॉक सहित 59 ऐप को बंद कर दिया गया। लेकिन इसके बाद भारत में आत्मनिर्भरता भी देखी गई और कई ऐप निकल कर सामने आए। हालांकि कुछ ऐसे ऐप थे जो पहले से चल रहे थे, लेकिन उसके बाद कुछ नए ऐप भी क्रिएट हुए। आप लोगों ने हाल ही में सुना होगा कई ऐप के नाम, आज हम बताने जा रहे हैं। दरअसल जो ऐप भारत में बने हैं उनमें से कई ऐप ऐसे हैं जो अच्छी तरीके से वर्क नहीं कर रहे हैं। हालांकि जो यूजर टिकटॉक में थे वह टिकटॉक छोड़कर अब इन ऐप में आ गए हैं। लेकिन जो दर्शकों की राय है, मैं इंटरनल अपनी राय दूं आपको, अलग अलग हो सकती सभी की राय। मैंने रोकोसो नाम से एक जो ऐप आया है प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है, आप लोगों ने भी यूज किया, और बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर जो पहले टिकटॉक में थे वो रोकोसो में भी आ गए। लेकिन आप लोगों ने एक चीज़ ये देखी होगी कि रोकोसो में टिकटॉक जैसी फीलिंग नहीं आती है। यहाँ पर टिकटॉक को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ ना टिकटॉक की बढ़ाई कर रहा हूँ, पर रोकोसो में अभी भी कई कमियां हैं जो उसके डेवलपर हैं, क्रिएटर हैं, उनको इन कमियों पर फोकस करना चाहिए, गौर करना चाहिए, इन कमियों को दूर करना चाहिए। अब कमियां क्या हैं? पहली बात तो आप रेटिंग देखिए, 4.3 की रेटिंग हो गई है और घटती ही जा रही है। अब कमियां क्या हैं? कमियां देखने के लिए आपको क्या करना होगा, प्ले स्टोर पर जो लोग कमेंट हैं, प्रतिक्रियाँ हैं, उनको पढ़िए भाई, अपने आप कमियाँ आपको पता चल जाएगी, उन कमियों को सुधार कीजिए। बहुत ज़्यादा कमियाँ हैं, ऐसा नहीं थोड़ा बहुत तो कमियाँ सभी ऐप में होती हैं, पर इतनी ज़्यादा कमियाँ उसमें देखने को मिल रही हैं। वीडियो डाउनलोड अपलोड होने में, डाउनलोड होने में भी प्रॉब्लम होती है, और उनका कई सिस्टम चलते हैं कैटेगरी वाइज, कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा लोगों को। बहुत सारे उन्होंने कमेंट किए हैं लोगों ने, खुद आप देख सकते हैं, जब आप रिव्यू देने जाते हैं, स्टार देने जाते हैं तो आपको ऑप्शन मिलता होगा, तो लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। वहीं एक ऐप इसी दौरान एक और नाम निकल कर आया, चिंगारी ऐप। नाम तो बड़े भयानक ऐसे लग रहे हैं, बिल्कुल जैसे लग रहा है कि आग निकल के निकलेगी इसमें, तो आग नहीं है इसमें, लेकिन चिंगारी नाम रखा गया है। चिंगारी इसलिए रखा गया है क्योंकि क्रिएटर के अंदर जो आग है वह जनता को दिखाएं। तो चिंगारी ऐप को भी मैंने इंस्टॉल करके यूज किया। मैंने जानना चाहा कि चिंगारी ऐप में वाकई में कुछ लॉ निकल रही है, कुछ दम है या फिर नहीं, या फिर ऐसे ही ये भी मतलब इसमें ही प्रॉब्लम है। आपको बता दें चिंगारी ऐप का 4.0 रेटिंग है, और इसको भी इसमें भी थोड़ी बहुत कमियां देखने को मिल रही हैं। ऐसा नहीं है, बहुत अच्छी बात है कि भारतीय ऐप है। पहली बात तो इनमें अच्छाई है कि भारतीय हैं, इसको लेकर इंडियन सपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग सभी सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन इन ऐप में बहुत कमियाँ हैं, जो लोगों ने कमेंट भी किए हैं और कह भी रहे हैं लोग कि इन कमियों को सुधारें। तो क्रिएटर जो डेवलपर हैं उनको बहुत ही ज़्यादा इस पर फोकस करने की ज़रूरत है, और इसी कारण से संदेश हम पहुंचा रहे हैं, आप लोग शेयर करिएगा इसको। इसी के साथ ही आपको बता दें, हम जो कमियां उसको करेक्शन तो करना है। अब हाल ही में एक आपने मौज के नाम से MOJ ऐप आया, ये भी इंडियन है। आपको बता दें जब से टिकटॉक बैन हुआ उससे इंडियन ऐप कई निकल कर आ रहे हैं, हालांकि कुछ पहले से चल रहे थे उनको बूस्टअप मिला है। इसी के साथ ही कई ऐप भी ऐप का मैं यहाँ प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन MOJ ऐप मैंने यूज किया है। आप देख रहे हैं स्क्रीन यहाँ पर साइड में आपको सब चलता हुआ दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर MOJ जो ऐप है काफ़ी अच्छा चलता है, बिल्कुल बहुत अच्छा चलता है MOJ ऐप अभी तक का जो मैंने यूज किया उसके अनुसार बता रहा हूँ। अब ये फ्यूचर में कैसा चलेगा इसके बारे में तो आप ही लोग यूज करके बता सकते हैं, पर MOJ ऐप बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, आगे सॉल्व हो जाएगी, हालांकि ये प्रॉब्लम ऐसी उम्मीद कर रहे हैं। प्रॉब्लम इसमें ये है कि जो ये अभी ऐप है सिर्फ सिलेक्टेड लोग जो क्रिएटर पहले से टिकटॉक में थे शायद उनको ही प्रमोट किया गया, यानी कि उनको ही यहाँ पर जोड़ा गया, उनकी वीडियोज़ ही आपको मिलेगी, पर इसमें दमदार कंटेंट अभी देखने को मिल रहा है। MOJ ऐप कोई प्रचार नहीं है, कोई प्रमोशन नहीं है, पर ये अच्छा ऐप है। रोकोसो में थोड़ी कमियाँ दिखाई दी तो मैंने आपको बताया, चिंगारी ऐप में भी कमियाँ दिखाई दी तो आपको बताया, और MOJ ये भी इंडियन ऐप है, इसमें कमियाँ नहीं है, इसी कारण से अच्छे ऐप के बारे में मैंने आपको सिर्फ रिकमेंड किया है। बाकी आपकी इच्छा है, आप ऐप को इंस्टॉल करना चाहें तो कर सकते हैं और नहीं करना चाहें तो नहीं कर सकते। लेकिन MOJ ऐप आम आदमियों के लिए फ़िलहाल नहीं है, आगामी समय में MOJ ऐप जो है देखने को मिलेगा आम लोगों के लिए भी, आम लोग भी। लेकिन अभी तो फ़िलहाल जो वायरल क्रिएटर हैं उनको
उनके ही फीचर की वो वीडियो आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। आपको बता दें बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जो उनके टिकटॉक पर डले हुए थे, लेकिन अब उन्होंने एमओजी ऐप में डाल लिया है। क्योंकि आप देखेंगे वीडियो चल रही है उसमें टिकटॉक का जहाँ निशान आता था उसको हाइड किया गया है ऊपर और नीचे से, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो वीडियो उठाई गई है वो कहीं ना कहीं टिकटॉक से ही उठाई गई है। तो समझ सकते हैं आप लोग। तो ऐसी जानकारी के लिए आप पहली बार चैनल पर अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को दबाइए और बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार, गुड बाय, जय हिंद।